सफलता एक निरंतर प्रक्रिया है जो आपको आजीवन करनी है। अर्जुन ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, गुरुदेव मुझे केवल तोते की आंख दिखाई दे रही है। आपके बीच में ये जो कौटिल्य बैठे हैं, ये जो चाणक्य बैठे हैं, ये जो गुरु द्रोण बैठे हैं, ये आपको रास्ता तो बताएंगे लेकिन तय आपको करना है, निर्धारण आपको करना है। सर्वप्रथम तो मां बाप देवी को प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ मैं एक्रोपोलिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और अपनी बात आपके बीच रखने का अवसर दिया। जितने भी सम्माननीय गुरुजन यहाँ पर सामने हैं फैकल्टीज, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब नवकोपलों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं भी कहीं आपके बीच में बैठा हूँ। उर्दू के किसी बड़े शायर का एक शेर मुझे याद आता है कि इन नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने। इस इंस्टीट्यूट में सफलता के नए मानक करने के लिए आप अग्रसर हैं, आप इस भारत का भविष्य बनेंगे, अपने माता पिता के अपने सपनों को पूरा करेंगे। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले, यहाँ पर जितने छात्र बैठे हैं, यहाँ पर जितने गुरुजन बैठे हैं, हम सब लोग केवल एक ही विषय में, एक ही बात के लिए अपने जीवन को जारी रखने का कार्य करते हैं या इस जीवन यात्रा को संपूर्ण करने का कार्य करते हैं। वो यात्रा जिस दिशा में हम प्रारंभ करते हैं उस दिशा का नाम है सफलता। लेकिन सफलता के पथ पर बढ़ते हुए क्या हमें पता है कि सफलता की सच्ची परिभाषा क्या है? सफलता क्या है असल में? यदि मैं आपसे पूछूंगा तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि एक बड़ी कंपनी का सीईओ हो जाना मेरे लिए सफलता है, कोई कहेगा कि आईएएस ऑफिसर हो जाना मेरे लिए सफलता है, कोई कहेगा कि ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट का प्राध्यापक हो जाना, प्रोफेसर हो जाना, डीन हो जाना मेरे लिए सफलता है। लेकिन सही मायने में सफलता एक पड़ाव नहीं, एक यात्रा नहीं, सफलता एक निरंतर प्रक्रिया है जो आपको आजीवन करनी है, उम्र के अंतिम पड़ाव तक करनी है। आपका इस यात्रा में मैं स्वागत करता हूं, आपका इस परंपरा में मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, सफलता के चार मूल मंत्र जिनको मैंने अपने जीवन में आत्मसात किया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला मंत्र जो है, जो मैं आपको देने जा रहा हूं, वो है लक्ष्य का निर्धारण। महाभारत की घटना आप सभी लोगों ने सुनी, देखी या पढ़ी होगी। महाभारत में एक बहुत महनीय पात्र हुआ अर्जुन। अर्जुन पांच पांडवों में से एक थे। अर्जुन के पास उस समय के सबसे दिव्य पुरुष वासुदेव कृष्ण की तरह सुदर्शन चक्र नहीं था, अर्जुन के पास कर्ण की तरह कवच कुंडल भी नहीं थे, लेकिन अर्जुन के पास जो सबसे बड़ी शक्ति थी, जो सबसे बड़ा हथियार था, वो थी एकाग्रता, अपने काम को करने के प्रति उसके लक्ष्य निर्धारण की क्षमता। एक बार की बात है मित्रों, जब गुरु द्रोण अपने पांचों पांडवों, अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे, 100 कौरव थे, 5 पांडव थे, 105 विद्यार्थी थे, और उनको हाथ में धनुष देकर खड़ा किया और उनसे कहा कि लक्ष्य साधो। पेड़ पर एक तोते को टांगा गया, नकली तोते को वहां पर टांगा और उनसे कहा कि सब लक्ष्य साधो और बालकों आपको इस तोते की आंख का संधान करना है, और जब तक मैं ना कहूं कोई तीर नहीं चलाएगा, सिर्फ आपको संधान बस करना है, आक्रमण नहीं करना है, तीर नहीं चलाना है, सिर्फ लक्ष्य साधना है। 105 विद्यार्थियों ने उस ओर देखा और लक्ष्य का संधान किया। आचार्य द्रोण ने एक एक करके सारे विद्यार्थियों से पूछा, उदाहरणार्थ पहले भीम से पूछा, भीम तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? भीम ने कहा, गुरुदेव मुझे पेड़ पर लटके हुए सेब के फल दिखाई दे रहे हैं। बड़े बहुत अच्छी बात है, तीर नहीं चला। नकुल सहदेव से कहा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? नकुल और सहदेव ने कहा कि गुरुदेव मुझे तो हरी हरी पत्तियां दिखाई दे रही, ये बगीचा दिखाई दे रहा है, क्या अद्भुत सुगंध है यहाँ की, क्या आनंद का अनुभव है। बोले बहुत अच्छी बात है, तुम तीर नहीं चला। गुरुदेव ने युधिष्ठिर से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोले तो मुझे
सारे और चारों तरफ शांति दिखाई दे रही है, एकात्मता दिखाई दे रही है। रुक जाओ, तुम भी तीर नहीं चलाना। जब गुरु द्रोण ने अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, अर्जुन ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, गुरुदेव मुझे केवल तोते की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण ने कहा बहुत अच्छी बात है, आंख दिखाई दे रही है। तुम्हें फल नहीं दिखाई दे रहे? नहीं गुरुदेव। तुम्हें हरे कलर का तोता नहीं दिखाई दे रहा? नहीं गुरुदेव। ठीक है, तुम लक्ष्य का संधान करो। अर्जुन तीर चलाते हैं, तोते की आंख में तीर लगता है। तो आपका जो लक्ष्य है, आपका जो फोकस है, वो तोते की आंख, यानी जो आप बनना चाहते हैं, जो आप हो जाना चाहते हैं, उस ओर होना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण हो गया, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे तोते की आंख पर तीर चलाना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे उद्यमी बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है। उसके बाद दूसरी चीज क्या, उसके बाद क्या करना, ये तो लक्ष्य निर्धारण हो गया। उसके बाद दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको करना है वो है परिश्रम। बिना परिश्रम के इस दुनिया में कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होता। तीर आपको चलाना पड़ेगा। गुरुदेव आपको एकाग्रता कहां रखनी है, कौन से लक्ष्य का संधान करना है, ये बता सकते हैं, लेकिन धनुष आप ही को उठाना पड़ेगा, तीर आप ही को चलाना पड़ेगा। एक बहुत महनीय व्यक्ति की कहानी याद आती है, वो बहुत आम व्यक्ति है लेकिन महनीय इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका काम महत्वपूर्ण है। दशरथ मांझी की कहानी आपने सुनी होगी। दशरथ मांझी एक व्यक्ति हुआ जो अपनी पत्नी से अपार प्रेम करता था। दुनिया में ऐसे कम ही लोग हैं जो पत्नी से प्रेम करते हैं, लेकिन वो करता था। समस्या यह थी कि वो एक छोटे से गांव में रहता था। उस छोटे से गांव में जहां वो रहते थे वहां पर पानी की बहुत समस्या थी। वहां की महिलाओं को एक विशाल पर्वत पार करके एक बड़े रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था और अपने गांव के लिए पानी लेकर आना पड़ता था। दशरथ मांझी को एक बात बड़ी खलती थी, उसकी पत्नी को भी इतनी लंबी यात्रा तय करनी पड़ती थी, जाना पड़ता था, आना पड़ता था, पैर में छाले हो जाते थे, बीमार हो जाती थी, उसको बड़ा दुख होता था, वो अपनी पत्नी से स्नेह करता था। उसने तय किया एक दिन, सोचिए आप अपने इमोशन को कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेंगे, ये सीखने योग्य बात है। उसका समर्पण था अपनी पत्नी के प्रति। उसने तय किया एक दिन, आज गोस्वामी तुलसीदास जी की भी जयंती है, मैं इस विषय पे भी बात करूंगा। उसने तय किया कि मैं इस पर्वत को तोड़ के रहूंगा। पहले उसने सरकारों से व्यवस्थाओं से आग्रह किया कि कोई तो उसकी बात सुने, कोई उसकी बात मानकर इस पर्वत को चीर कर इसमें से एक रास्ता निकाले, लेकिन उसके सारे आग्रह जो है वो ध्वस्त हो गए समय के साथ। फिर उसने स्वयं तय किया कि मैं खुद इस पर्वत में से एक रास्ता निकालूंगा। वो गया चीनी हथौड़ा लेकर और उसने श्रम शुरू किया, निरंतर लगातार उस पर्वत पर प्रहार किए। आपको क्या लगता है, जिस दिन उसने पहली चोट उस पर्वत पर की होगी, क्या उस दिन रास्ता बन गया होगा? नहीं, उसने निरंतर श्रम किया, लगातार श्रम किया, वो लगा रहा डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ, और एक दिन ऐसा आया कि उस पर्वत को उस दशरथ मांझी के लिए रास्ता निकालना पड़ा। तो आप में से कितने लोग दशरथ मांझी हैं जो अपने लक्ष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए, एक नया रास्ता बनाने के लिए तैयार हैं? आप में से कितने अर्जुन हैं जो तोते की आंख को भेदने के लिए तैयार हैं? धूप में निकलो, बारिशों में नहा कर देखो, धूप में निकलो, बारिशों में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। ये आपको रास्ता तो बताएंगे लेकिन तय आपको करना है, निर्धारण आपको करना है। दशरथ मांझी की जब हम कहानी सुन रहे थे उसमें परिश्रम के साथ एक और महत्वपूर्ण चीज थी, वो थी निरंतरता। यही मेरे वक्तव्य का तीसरा और महत्वपूर्ण मूल मंत्र है। आप लक्ष्य के प्रति अग्रसर भी होंगे, परिश्रम भी करेंगे, लेकिन यदि निरंतरता नहीं है, अगर आप लगातार नहीं करेंगे, आप बार बार नहीं करेंगे, आप हर बार नहीं करेंगे, तो विश्वास मानिए मित्रों, सफलता उतनी आसान नहीं रहेगी जितनी आसान आपको अभी लग रही होगी। आपको निरंतर लगना पड़ेगा, आपको हर बार प्रयास करने पड़ेंगे, आपको हर बार एक नई यात्रा पर चलना पड़ेगा। सफलता कोई थाली में परोस कर लाकर नहीं देता, आपको अर्जित करनी पड़ती है। एक बहुत
हमारे हिंदी के बहुत अच्छे एक शायर हुए देवल आशीष, उनका एक शेर मुझे फिर से याद आता है। वो कहते थे कि मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या, जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या। और जुदा होने के, अच्छा दिल लगाने वाली बात ज्यादा समझ में आ रही लग रहा है, तो जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या, बला से लाख बारिश हो कि आंधी हो सुनामी हो, घरों दे रेत पर बच्चे बनाना छोड़ देंगे क्या। ये विसंगतियां, ये प्राकृतिक आपदाएं, ये डिस्ट्रैक्शन आपके जीवन में लगातार आएंगे। कई बार आपको घर बुलाएगा, कई बार आपको मित्र बुलाएंगे, कई बार आपको ये आडंबर बुलाएंगे। आप कॉलेज में नए नए आए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि पार्टी ऑल नाइट, लेकिन नहीं, आप इसलिए नहीं है यहाँ पर, आप अपने माता पिताओं के सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर हैं। आपको निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, आपको निरंतरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं चौथा और एक विशेष मंत्र और आपको देता हूं, वो है धैर्य। कई बार हम अपने लक्ष्य की ओर आगे तो बढ़ते हैं लेकिन धैर्य की कमी हो जाती है। रामचरितमानस से मुझे एक बात याद आती है, जब हनुमान माता जानकी के पास गए प्रभु श्री राम की अंगूठी लेकर, और वहां पर जाने के बाद क्या क्या हुआ, उन्होंने अशोक वाटिका को तहस नहस किया, रावण ने उनको कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया, फिर उनकी पूछ पर जो है तेल और कपड़ा लपेटा गया, फिर सोने की लंका को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, और सोने की लंका को ध्वस्त करने के बाद जब वो माता जानकी के पास पुनः पहुंचे तो माता जानकी से उन्होंने विनय पूर्वक आग्रह पूर्वक एक बात कही कि हे माते, आप मेरा पराक्रम तो देख चुकी हैं, आपका बालक क्या क्या करने में सक्षम है, यदि आप आदेश करें तो मैं इस रावण का अभिवध करूं, और अभिवध करके जो है मैं आपको यहां से छुड़ाकर ले जाता हूं प्रभु श्री राम के पास। माता जानकी ने उनसे एक बात कही, ये प्रसंग है सुंदरकांड में, माता जानकी ने उनसे एक बात कही, वो बात ये थी कि नहीं, प्रभु श्री राम स्वयं आएंगे और अपनी प्रिया को, अपनी पत्नी को जो है इस रावण का वध करके, इस संसार को, इस दुखों से, इन दुखों से, कष्टों से दूर करके मुझे स्वयं यहां से छुड़ा कर ले जाएंगे। तो माता जानकी जो इतने वर्षों तक रावण के पास बिना किसी डर के, बिना किसी असुरक्षा भाव के रही, वो क्या कारण था, क्या सबसे बड़ी शक्ति थी, आपको क्या लगता है? रामचरितमानस टीवी पर आप सभी ने देखी, क्या एक तिनके से रावण डर गया होगा, क्या एक तिनके से रावण को भय आ गया होगा? माता जानकी के पास जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो थी धैर्य की शक्ति, वो थी पेशेंस की शक्ति। दशरथ मांझी की अभी मैं बात कर रहा था, उसने जो निरंतरता के साथ पहाड़ को तोड़ना शुरू किया तो उसने क्या किया, उसने पेशेंस रखा। अर्जुन ने जो, जब तक गुरुदेव सबसे पूछ रहे थे कि भाई तेरे को क्या समझ में आया, तेरे को क्या समझ में आया, तेरे को कौन सा लक्ष्य दिख रहा है, तब तक अर्जुन ने जो तीर पकड़ के रखा था वो था धैर्य का तीर। जब आप किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो परिश्रम करते हैं, लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, आप निरंतर उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता आपको पड़ेगी किसी चीज की, तो वो होगा धैर्य। यदि आप धैर्य के साथ आगे नहीं बढ़े, आपका मन विचलित होने लगा, आपने सोचा कि अरे क्या हो गया यार, एक दिन तो मैं ऐसा कर लेता हूं। हम कई बार जब हमको कोई मोटिवेशनल स्पीकर मेरे शरीर का मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं, आप कल से तो मतलब सारी चीजें फिक्स, सुबह मैं 5 बजे उठूंगा, 5:30 बजे से स्टडी स्टार्ट, पढ़ाई शुरू, उसके बाद 9 बजे तक मैं पढ़ाई करूंगा कंटिन्यूसली, 9 बजे के बाद नाश्ता करूंगा, वो दैनिक कृत्य जो मुझे करना है वो सब करूंगा, उसके बाद 12 बजे तक फिर कुछ करके और फिर पढ़ाई शुरू, या कॉलेज जाऊंगा या फिर जहां भी हम जाते हैं पढ़ने के लिए, शाम की 5 बजे तक कॉलेज में पढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, उसके बाद 6 बजे फिर पढ़ाई शुरू, रात की 1 बजे पढ़ूंगा, फिर सो जाऊंगा, फिर सुबह उठूंगा, हाँ कागज पे देखा मैंने 17 घंटे पढ़ूंगा। ये एक दिन तो हो सकता है, शायद आप साइंस के कुछ स्टूडेंट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला नहीं है कि ऊर्जा पाकर वो ऊपर जाता है फिर अपनी ऊर्जा जो है दे देता है फिर नीचे आ जाता है, तो ये एक दिन का तो हो सकता है, लेकिन यही काम या इसमें से वो काम जो आप निरंतर कर सके, जो आप लगातार कर सके, धैर्य के साथ कर सके, वो आप कितनी देर कर पाएंगे। तो लक्ष्य भी ऐसे निर्धारण करें, रोड मैप भी ऐसा तैयार करें जिसपे आप अडिग रूप से, निरंतर रूप से चलते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, अब मुझे नहीं पता कि मैं जैसा समझा रहा हूं वैसा समझ रहे हैं या नहीं, लेकिन आप जैसा भी समझ रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसा समझा रहा हूं वैसे ही समझ रहे हैं। एक बार एक कॉलेज में मैं ऐसे ही ज्ञान दे रहा था,
एक कहानी मैंने उनको सुनाई। मैंने कहा यार एक बाबा थे, उन्होंने बच्चों से कहा कि बेटा तुम क्यों परेशान हो। तो बच्चे ने कहा कि बोले बाबा मेरे पास एक बुलबुल थी, मैंने उसको पाल रखा था, पता नहीं उसको क्या हुआ, वो उड़ गई। बोले अच्छी बात है, उड़ गई। बोले फिर, बोले मैंने एक तोता पाल लिया बाद में, तोते को पाल के रखा थोड़े दिन बाद वो भी उड़ गया। अच्छा, तोता भी उड़ गया। बोले बेटा तू एक काम कर, तू एक पेड़ लगा, तू पेड़ लगाएगा तो जो बुलबुल उड़ के गई है वो भी वापस आ जाएगी, जो तोता उड़ के गया वो भी वापस आ जाएगा। कितनी अच्छी बात है, सबको समझ में आई ये बात। बाबा ने उनको समझाया। बच्चों ने कैसे समझा? बोले बाबा मेरे को समझ में आ गया आपने जो समझाया। बोले क्या समझ में आया? बोले बाबा मेरे पास एक सेम का पैकेट था, मेरा एक दोस्त आया वो लेके चला गया, फिर अगले दिन मैं मिक्सर का पैकेट लेके आया, वो दूसरा दोस्त आया वो भी लेके चला गया, फिर अगले दिन मैं लेके आया बॉटल। पहला दोस्त भी वापस आ गया, दूसरा दोस्त भी वापस आ गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस कहानी का सारांश ये है कि आप चीजों को वैसा ही लें जैसा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो लक्ष्य निर्धारण में मैंने जो चौथी महत्वपूर्ण चीज बताई वो है धैर्य। धैर्य के अलावा जब आप एमपीपीएससी की तैयारी करेंगे या किसी ऐसी एग्जाम की तैयारी करेंगे जो कि बहुत विकट है, बहुत ही परिश्रम वाली है, उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज शुरू हो जाती है, भाग्य। भाग्य क्या है? कई लोग सोचते हैं कि भाग्य वो है जो ईश्वर ने निर्धारित करके भेजा है। नहीं, भाग्य वो समय है जो आपके कर्म के प्रारंभ से लक्ष्य की प्राप्ति के बीच में लगता है। मेरे पिताजी मुझे एक कहानी सुनाया करते थे। दो मित्र थे, एक मित्र उसमें से भाग्यवादी था, दूसरा मित्र कर्म पर विश्वास रखता था। दोनों व्यापारी थे, दूर देश में दोनों व्यापार करने के लिए जाते हैं और व्यापार करते हुए वहां के नियम कायदे कानून उनको नहीं पता होते, दूर देश में उनकी यात्रा होती है और कोई ऐसा डिस्प्यूट या कोई इस तरह का वो कृत्य कर देते हैं जो कि वहां की सरकार के अनुसार क्राइम माना जाता है। दोनों को इस काम के लिए दोनों को जेल में डाल दिया जाता है, दोनों जेल में, दोनों को आजीवन कारावास दे दिया। तो भाग्य वाला मित्र कर्म वाले मित्र से कहता है कि हाय रे हमारी फूटी किस्मत, देख हमारा भाग्य कितना खराब है, आज हमको नहीं पता था नियम और हमसे चूक हुई और आज हम दोनों जेल में हैं। कर्म वाला उससे कहता है कि यार हमको नियम नहीं पता था, हमने सर्वे प्रॉपर नहीं किया, हमने रिसर्च प्रॉपर नहीं की, हम रिसर्च प्रॉपर करते, रिसर्च करके इस जगह पे आते तो हमको नियम पता होते और उस नियम के अनुसार फिर हम यहाँ पे काम करते तो शायद हमको ये सब यातनाएं नहीं झेलना पड़ती। दोनों की इस तरह की चर्चा चलती है। दो तीन दिन के बाद जो भाग्य वाला व्यक्ति है वो तो सोता रहता है, जो कर्म वाला लड़का है उसको कहीं से एक लोहे की रॉड मिलती है, लोहे का सरिया मिलता है उसको कहीं से, और उस लोहे की रॉड से जो कर्म वाला लड़का है वो धीरे 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 खोदना प्रारंभ करता है और खोदते 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 कितनी लंबी सुरंग वो बना लेता है जो सुरंग उस जेल से निकलकर उनके राज्य तक की यात्रा कर लेती है। अब इस प्रोसेस में 3-4 महीने बीत जाते हैं, दोनों आजीवन कारावास में हैं और वो सुरंग जो है बनकर तैयार है। कर्म वाला लड़का जिसने सुरंग बनाई होती है वो भाग्य वाले लड़के से एक समय रात को कहता है कि मित्र सुनो। बोले क्या? बोले यार मुझे कहीं से इस तरह का लोहे का एक रॉड मिला था और मैंने उसके माध्यम से धीरे धीरे सुरंग बनाना प्रारंभ किया है और सुरंग इतनी लंबी तैयार हो गई है कि अपन आज रात में यहां से भागने के लिए सज्ज हैं, तैयार हैं। बोले क्या बात कर रहे? बोले हाँ। बोले ठीक है। वो दोनों निकलते हैं और शुरू करते हैं स्केप करना, भाग जाते हैं वहां से और निकलकर दोनों अपने देश की सीमा में पहुंच जाते हैं। जैसे ही अपने देश की सीमा में पहुंचते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, कर्म वाला लड़का भाग्य वाले लड़के से कहता है कि देख मैंने कहा था ना कर्म में कितनी शक्ति होती है, कर्म में कितना पावर होता है, कर्म कितनी किस तरह से जो है उपयोगी है। मुझे एक सरिया मिला लोहे का, एक रॉड मिला, मैंने उससे निरंतर खोदना शुरू किया और 3 महीने तक निरंतर श्रम किया, उसके बाद जो आजीवन कारावास था उससे हम दोनों 3 महीने के अंदर ही आज बाहर हैं। कर्म में कितनी शक्ति होती है। बोले बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो भाग्य वाला था उससे कहता है, बोले मित्र रॉड तुझे मिली, कर्म तूने किया, परिश्रम तूने किया और तेरे साथ साथ आज मैं भी जो है इस जो जघन्य अपराध से मुक्त होकर इस जेल से बाहर हूं। इस कहानी से क्या सीखते हैं हम? ये इसमें भी मेरा भाग्य प्रबल है। मैं तो ऊंट पे बैठ के जाऊं तब भी। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से ये सीखते हैं कि कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं।
एक दूसरे के समानुपाती हैं। भाग्य तभी आपका साथ देगा, भाग्य तभी आपके साथ चलेगा जब आप निरंतर कर्म करेंगे, आप निरंतर कर्म करते चलेंगे। यदि आपके कर्म में थोड़ी भी कमी आई, आपके परिश्रम में थोड़ी भी कमी आई, तो आप ये बिल्कुल भी मान के मत चलिएगा कि भाग्य से आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। मैं फिर कहता हूं, ये जो द्रोणाचार्य हमारे बीच में है, ये जो चाणक्य हमारे बीच में है, जो कौटिल्य हमारे बीच में बैठे हुए हैं, ये आपको सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको ही है। कोई पुखराज, कोई काला धागा आपकी इसमें मदद नहीं करेगा, सिर्फ आपके कर्म है जो आपको निरंतर आगे लेकर जाएंगे। मुझे राहत साहब का एक शेर याद आता है, वो अक्सर कहा करते थे, समुद्रों के सफर में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है। लेकिन मेरा हमेशा इस बात से विरोध रहा कि जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है, ईश्वर चलाता है, ऊपर वाला चलाता है। सोचिए, यदि आप जहाज लेकर समुद्र में उतरेंगे ही नहीं तो जहाज कोई कैसे चला पाएगा? आपका जहाज, आपकी कार का स्टीयरिंग, आपके जीवन का स्टीयरिंग आपके हाथ में है। आप उसको किस पथ पर लेकर जाना चाहते हैं, आप किस ओर उसको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। मैं जब यहां आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा। मैंने कल एक कविता लिखी, मेरा मन है कि मैं आपको सुनाऊं, जो थोड़ी प्रेरक है। अगर फैकल्टीज का भी मुझे मिले तो एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए कि क्या होना है जीवन में हमको। सुनिएगा, हो चकित अंबर धरा स्तब्ध हो पाताल देखे, हो चकित अंबर धरा स्तब्ध हो पाताल देखे, तुम चलो ऐसे कि यह दुनिया तुम्हारी चाल देखे, हो चकित अंबर धरा और क्या, खोल कर देता नहीं है मंजिलों के द्वार कोई, व्यर्थ पहना कर नहीं जाता गले में हार कोई, कोई 56 भोग थाली में सजाना ला सकेगा, कोई बिन श्रम के जगत में यश कभी ना पा सकेगा, भाग्य का केवल नपुंसक ही ढिंढोरा पीटते हैं, साहसी सर्वत्र अपनी लीक खुद ही खींचते हैं, साहसी सर्वत्र अपनी तो पीठ ना देखे कभी, पीठ ना देखे कभी, शत्रु तुम्हारा भाल देखे, तुम चलो ऐसे कि यह दुनिया तुम्हारी चाल। आज दो नए प्रसंग है, मैंने पहले भी कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती भी है और आज चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पर लैंड करने वाला है। मैं क्या कहना चाहता हूं, अगली पंक्तियां आपके सामने रखता हूं, बांध नहरे पुल बगीचे घर सड़क मंदिर फवारे, बांध नहरे पुल बगीचे घर सड़क मंदिर फवारे, नव हवाई यान पनडुब्बी बनाओ नाव कारे, नृत्य में लाओ कोई नृत्य में लाओ नया कुछ राग भी नूतन सुनाओ, गीत में नव गीत कोई छंद नव गढ़ कर दिखाओ, बादलों को चीर दो इस आसमां के पार जाओ, बादलों को चीर दो इस आसमां के पार जाओ, अपना रुकने दो स्वयं को चंद्रमा पर घर बनाओ, अपना रुकने दो स्वयं को चंद्रमा पर घर बनाओ, सर्जना चलो ऐसे कि यह दुनिया तुम्हारी चाल देखे, तुम चलो ऐसे। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ एग्रोपॉलिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का।